यूसीसी अभी सिर्फ उत्तराखंड में पारित हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन शायद आपके एजेंडे पे अभी बाकी है, सीएए के रूल्स की नोटिफिकेशन बाकी है, इन मुद्दों पर आप आगे का क्या रास्ता देखते हैं? नहीं देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा जनसंघ से रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर यूसीसी ये संविधान का एजेंडा है। आर्टिकल 44 में संविधान निर्माताओं ने देश के विधानमंडल और संसद को कहा है कि जब भी अनुकूल समय आए इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इस पर जवाहरलाल नेहरू के स्वयं के दस्तखत है, कांग्रेस भूल गई है, उस वक्त तो हम थे ही नहीं, बने जन्म ही नहीं हुआ था हमारा पॉलिटिकल जन्म। उस पर मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सबके दस्तखत है। मगर यूसीसी को आपने एपीसमेंट के कारण भुला दिया, यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियसली पकड़ कर रखा और उत्तराखंड में इसलिए आया है कि यूसीसी बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। यूसीसी का उत्तराखंड का जो कानून आया है इस पर सोशल बहस भी होनी चाहिए, रिलीजियस ग्रुप की भी बहस होनी चाहिए और लीगल स्क्रूटिनी भी होगी ही होगी। ये सब मिलकर चर्चा के बाद जो मंथन आएगा वो सभी राज्यों की विधानसभाएं अडॉप्ट करेगी, मुझे विश्वास है। और पंथ निरपेक्ष देश, वो पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून हो ही नहीं सकता, ये बात को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है और हमारा भी ये मूल विचार है।